वन इंडिया हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत लिखने वाला इंसान नहीं बल्कि ऊपर वाला होता है, और हम सब की डोर उसी के हाथों में है। हर इंसान का जीवन उसके जन्म के समय स्थित ग्रहों के आधार पर होता है, और इसी के चलते उसके सुख दुख के योग बनते हैं। जो भाग्य में लिखा होता है वो खुद ब खुद उसे मिलता चला जाता है, और कुछ इसी तरह के सुख दुख के योग आजकल सलमान की जिंदगी में भी बने हुए हैं। एक तरफ जहां वो अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कानूनी विवादों के पचड़ों में वो बुरी तरह से फंस रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आज नजर डालते हैं सलमान खान की कुंडली पर कि आखिर किन वजहों से सलमान के साथ ये सब हो रहा है। दरअसल सलमान का जन्म मेष लग्न और कुंभ राशि में हुआ है। उनकी कुंडली के दूसरे घर में राहु के विराजमान होने से ऐसा जातक स्पष्ट बोलने वाला और मुंहफट होता है, और अपनी इसी आदत की वजह से अक्सर ऐसे लोगों के दुश्मन भी होते हैं, और ऐसे लोग अक्सर अपनी सोच अपने विचार तेजी से बदलते हैं। कुंडली के दशम भाव में मंगल शुक्र की युति के कारण ऐसे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिलती है। कला के क्षेत्र में ऐसे लोग निपुण होते हैं। विपरीत लिंग के प्रति उनके मन में गहरा आकर्षण होता है। ऐसे लोग अक्सर अपना पार्टनर बदलते रहते हैं। इनके कई सारे लव अफेयर्स भी होते हैं। बात करें अगर द्वितीय भाव की, तो द्वितीय भाव में राहु तथा नवांश कुंडली में सप्तमेश के अष्टम भाव में बैठने के कारण जातक को संतान और विवाह सुख का अभाव रहता है, तथा जीवन में ऐसे लोग कुंवारे रह जाते हैं। इनका समय समय पर विवादों में फंसना और उग्र हो जाना मेष लग्न तथा शनि चंद्र युति के विषयों का प्रभाव है। यही नहीं, सलमान की कुंडली में शनि की महादशा में मंगल का अंतर 10 अप्रैल 2016 तक अच्छा होने के कारण माननीय हाईकोर्ट ने इन्हें 10 दिसंबर 2015 को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। सलमान खान को 10 अप्रैल 2016 से 16 फरवरी 2019 के मध्य शनि महादशा में राहु की अंतर्दशा का अंतर रहेगा, जो इनके लिए काफ़ी पीड़ादायक सिद्ध हो सकता है। शनि को मुख्य न्यायाधीश ग्रह माना जाता है, और शनि का कार्य न्याय करना और दुष्कर्मों की सजा देना है। राहु ग्रह कलंक लगाता है तथा दिन रात की नींद हराम कर देता है। राहु मार्केश की अंतर्दशा 16 फरवरी 2019 तक चलेगी, जो सलमान खान के लिए दुर्घटनादायक और कष्टदायक सिद्ध हो सकती है। ऐसे में उन्हें सावधानी की बेहद ज़रूरत है। साथ ही साथ सलमान की कुंडली को देख के ये भी कहा जा सकता है कि सलमान का आने वाला वक्त कानूनी पचड़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा कष्टदायी सिद्ध हो सकता है। तो ये थी बातें ग्रहों और नक्षत्रों की, पर इन सब बातों के तर हम बस यही दुआ करेंगे, हम बस यही चाहेंगे कि सलमान की जिंदगी में आगे जो भी हो वो उनके लिए बहुत अच्छा हो। वैसे सलमान के इतने सारे लाखों करोड़ फैंस हैं, और कहते हैं ना कि जब दिल से निकली हुई दुआ ऊपर वाले तक जाती है तो वो कबूल भी होती है। तो बस वक्त है दुआ करने का कि सलमान के साथ जो भी हो वो बेहतर हो, उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए और उनके फैंस के लिए। इसी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त। फ़िलहाल वन इंडिया हिंदी पर अभी के लिए बस इतना ही।